नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा कोलकाता देखोगे फिर से एक नया एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के कोलकाता डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐतिहासिक गुरुद्वारा दिखाएंगे जो कि कोलकाता में मौजूद है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चुके हैं बागमारी के एक हिस्टोरिकल गुरुद्वारे में और इस गुरुद्वारे का बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा इतिहास है। तो चलिए संक्षेप में जानते हैं इस गुरुद्वारे का इतिहास। नौवे गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी पूर्वी देश की यात्रा करते हुए असम आए और राजा बिशन सिंह के अनुरोध पर ब्रह्मपुत्र यानी कि वहां के गुरुद्वारा धुबरी साहब के तट पर विश्राम किया। यहां गुरु जी ने राजा बिशन सिंह और राजा परनपाल में सुलह कराई। उन्होंने दोनों को और संगत को मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी। वहां से वापस आते समय गुरु जी अप्रैल 1667 को लगभग 125 भक्तों के साथ कलकत्ता पहुंचे और बागमारी नामक स्थान पर एक निर्जन सूखे बगीचे में मंच बनाया और यहां बैठकर जाप किए। यहां पहले एक बंजर और सूखा बाग हुआ करता था जिसके वजह से यहां का नाम बागमारी पड़ा। इस गुरुद्वारे में आते ही पता है सबसे पहला सवाल हमसे क्या किया गया? आपने लंच किया है? आपने कुछ खाया है? और सबसे पहले हमें यहाँ खाना परोसा गया। ऐतिहासिक स्थान गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत में श्री गुरु नानक देव जी मानव कल्याण करते हुए अपनी पहली उदासी के समय 2 जनवरी 1510 ईस्वी को पधारे थे। तब यहाँ महामारी का प्रकोप चल रहा था। गुरु जी की कृपा द्वारा लोग निरोग हुए। गुरु जी ने यहाँ संगत कायम की और राग बसंत में एक शब्द उच्चारण किया, चंचल चितना पावे पारा आवत जात न लागे बारा। यहाँ गुरु जी 12 दिन रहे। श्री गुरु नानक देव जी के बाद नौवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज आसाम से वापसी के समय यहाँ पधारे थे। गुरु जी ने इस स्थान पर कथा कीर्तन एवं लंगर का प्रवाह जारी रखने का आदेश दिया। ये गुरुद्वारा बड़ा बाजार क्षेत्र में है। भवानीपुर एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ पर है गुरुद्वारा संत कुटिया। आज का वीडियो एक गुरुद्वारे के साथ शुरू करते हैं। ये है गुरुद्वारे का एंट्रेंस। यहाँ पर आपको जूते चप्पल रख के आपको गुरुद्वारे में एंट्री करना होगा।